मुझे फायदा करवा के देगी। कितना अच्छा होता अगर पूरा गांव यहाँ होता, लेकिन आज सिर्फ तुम और मैं। आओ। जी, क्या आप ही वो डॉक्टर हैं जिसकी इस गांव में बड़ी जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं? क्या हुआ हरिया? अरे कोई बात नहीं, ये हाथ कट गया भाई। करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर ने, तुम जाओ यहाँ से। तुम शायद इसके पति हो और तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं इसका इलाज करूँ। तुम जानते हो अगर थोड़ा सा भी और खून बहा तो उसकी जान भी जा सकती है। अब भी तुम चाहते हो कि मैं इसका इलाज नहीं करूँ? अरे ये इसकी बीवी है और मरे चाहे जिए, इससे तुमको क्या? और तुम खड़ा खड़ा क्या देख रहा? खिला दे पूरी, बनकर खून, बनकर खून। देखो मैं इसे लेकर अपनी क्लिनिक जा रही हूँ, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा ये इस खेत में काम नहीं करेगी, समझे? चलो चलो आ, उठाओ बैग, आ जाओ। ये लो। आ, बस बस अभी ठीक हो जाएगी।
मुझे तो मालूम है सुशीला ताई कितनी भली औरत है। सुशीला ताई ने गांव वालों की एक नहीं सुनी, इसीलिए गांव वालों ने अपनी बिरादरी से उनको हटा दिया। तू ऐसा नहीं मानेगा, तू ऐसा नहीं मानेगा। बड़ी आई डॉक्टर नहीं। मधुर नमस्ते। यही है डॉक्टर नी जी, जिन्होंने खेत में तुम्हारा इलाज किया था। अगर आज ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। कैसी बातें कर रहे, ये तो मेरा फर्ज था, इसीलिए तो मैंने यहाँ दवाखाना खोला है। अब कैसा है हाथ तुम्हारा, दिखाओ। अरे वाह, अब शायद ठीक हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ, गोली दी थी इसे? जी। वेरी गुड, सुबह एक गोली और दे देना, ठीक है? और तुम, अरे तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? कितना अच्छा पति है तुम्हारा, कितना ख्याल रखता है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, कोई और बात हो तो मुझे खबर कर देना। वैसे मेरे दवा खाने पे आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? क्या नाम है तुम्हारा? हरिया। अच्छा, और तुम्हारी पत्नी का? चंपा। ठीक है, इसका ख्याल रखना। हाँ मैं चलती हूँ। नमस्ते, चलो आ जाओ। मैं देख। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे और तेरी बीवी को सरपंच जी ने हवेली पे बुलाया है। उनसे जाकर कह दो मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, हम अभी नहीं आ सकते। अरे औरत की तबीयत खराब है तो गुनी बाबा इलाज करेंगे ना? उसका इलाज हो चुका है, डॉक्टरनी दीदी आके उसे देख के जा चुकी है। उनसे जाकर कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया है, जानता क्या बोल रहा तू? हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, जाकर उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। कौरी के घर पे जाता हूँ, वो मुझे अच्छी से अच्छी भेंट दिया करती है। वाह वाह वाह, आज तो दिन कितना अच्छा है, बीवी ने मुझे 50 दे दिए। अच्छा कहाँ चल दिए? हम दवाखाने नहीं, सरपंच के वहाँ जा रहे थे। वहाँ कहाँ जा रहे थे? सरपंच जी तो वहाँ है ना? हाँ हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, चलो आइए। बहुत वजन बढ़ गया है तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है हम चलते हैं। हम लेके चलते हैं तुम्हें। Thank you.
महोदय, महाशय, हुजूर साहब जी, हुजूर, अपने इस छोटे से गांव में शहर से एक छोटी सी लड़की आई है, कहती है कि मैं डॉक्टरनी हूँ। कल हमारे दवाखाने पे आई थी, हमारे गधे के सामने उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। चिंता की कोई बात नहीं हुजूर, छोटी सी लड़की है, छोटे से गांव में आई है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। कसम धन्नू की सरकार, उस लड़की को हम ही लेके आए थे स्टेशन से। अब हमें क्या मालूम था कि वो इतनी छोटी सी मुसीबत इतनी बड़ी हो जाएगी, वरना उसे उसी टाइम दूसरी गाड़ी में नहीं बैठा देते। चीटी है सरकार, शहर से नई नई आई है, कहती है गांव सुधारेगी। दो किताबें पढ़कर क्या कोई डॉक्टर बनाया आज तक? आप हुक्म दे मालिक, बाकी उस डॉक्टरनी का क्या करना है? आप फिक्र क्यों करते हैं सरकार, छोटी सी मुर्गी है, जब चाहे तब दबोच लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? एक छोटी सी मुर्गी इस छोटे से गांव में, बंद कर दो इसे छोटे से पिंजरे में, बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही। यही ठीक है, बराबर है, यही ठीक है। मिल गई। क्या मिल गई? मुर्गी मिल गई। मुर्गी का मैं क्या करूं? पिंजरे बंद कर दो, पिंजरे में। यानी कि तू छिप छिप के बातें सुन रहा था। गधे, दवा खाने पे जा और पुड़िया बना। गधा कैसा? अरे गधा इसे कहा और लात मैंने मारी। जब से वो डॉक्टर नहीं आई है ना, तब से मैं भी गधा बन गया हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक हूँ। और तेरा विद्यालय कैसा चल रहा है? बच्चे आते हैं ना? अरे भाभी बहुत बच्चे आते हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई भी करते हैं। भाभी मैंने आपको बताया कि हमारे विद्यालय ने प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रौढ़ शिक्षा? हाँ, अभी तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं बड़ों को भी पढ़ाऊंगी। भाभी आप भी हमारे विद्यालय आइए ना। मैं और तुम्हारे विद्यालय? अरे अरे मुझे घर के कामकाज से कहाँ फुर्सत मिलती है, और विद्यालय तो बच्चे जाते हैं ना। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है। अब आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं तो आपको भी तो शिक्षित होना चाहिए ना, है कि नहीं? अब जैसे एक किसान है, वही तो अपने बच्चे को खेती के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सकता है कि नहीं? वो सब ठीक है, ये तेरे का ख ग मैं सब कुछ जानती हूँ,
अरे मैं अपना नाम भी लिखना जानती हूँ और कभी कभार अखबार भी पढ़ लेती हूँ, मुझे विद्यालय जाने की क्या जरूरत है। नहीं भाभी, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे विद्यालय में क ख ग से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं, जैसे रोजमर्रा के जीवन के बारे में, घर को स्वच्छ रखना चाहिए, पीने के पानी को ढक के रखना चाहिए, घर के आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पता है भाभी, सबसे ज्यादा बीमारियां पानी की अस्वच्छता के कारण होती हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय में लोगों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी जाती है। अच्छा भाभी एक बात बताओ, हमारे गाँव की औरतें घर का काम काज निपटाने के बाद क्या करती है? खाली बैठती है। इसी खाली समय का उपयोग वो इस तरह से कर सकती हैं कि दूसरी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दें और छोटे लघु उद्योग स्थापित करें, इससे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा या नहीं? अरे कमला, ये तो बड़े काम की बात है, तुम्हारे विद्यालय में ऐसी और कौन कौन सी सुविधाएं हैं? भाभी आपको कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए ना, तो निरंतर शिक्षा केंद्र की लाइब्रेरी में चली जाइएगा, आपको वहाँ पर हर जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। और यही नहीं भाभी, हमारे यहाँ शिक्षण केंद्र है, वाचन केंद्र है और चर्चा मंडल भी है, क्या अब भी आप हमारे विद्यालय नहीं आइएगा? भाभी मैं तो यही चाहती हूँ कि इस गांव का हर व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित होके इस गांव की तरक्की में मदद करे। भाभी बहुत बातें होगी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। इधर देखें क्या देखें? स्कूल की तरफ तो नहीं गई थी? आने का अपने को मालूम यहाँ नहीं होगी, वहाँ होगी, चल वहाँ चल 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 उधर चल जाओ। दीदी एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, दरअसल मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूँ। क्यों नहीं चाहती? आप तो जानती हैं कि मेरी माँ बहुत पुराने ख्याल की है, तो हम और आप जब काम के लिए साथ में निकलते हैं तो कभी कभी दूसरे दूसरे जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और हमें कभी काम करते हुए देर भी हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि इस तरह से हमारे गाँव की संस्कृति पर असर पड़ेगा। तो अब आप बताइए मैं क्या करूँ? तुम उनकी बातों को बुरा मत मानना, उनकी बातें मैं समझ सकती हूँ। क्या है कि वो बुजुर्ग हैं, उनके ख्याल थोड़े पुराने हैं, उन्हें लगता है कि हम ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं इस गांव में, उससे उनकी पुरानी संस्कृति पे असर पड़ेगा। जब वो देखेंगे कि गांव में स्कूल खुला है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अस्पताल खुला है, लोगों का ठीक से इलाज हो रहा है, तो देखना फिर वो भी हमारे साथ होंगे। ऐसे ही होगा। छोड़ दो ना उसको, घर के लिए चला जाएगा, जाओ।
कैसे हो मानी जी? ठीक हो तुम? कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ मैं। जब भी आपको देखती हूँ ना तो सोचती हूँ आप हमारे गांव के लिए कितना कुछ करती है। आप इतनी पढ़ी लिखी है तो शहर में अगर अपना काम करती तो कितना पैसा कमाती, कितना नाम कमाती। हमारे गांव में तो ऐसे ही बहुत सी परेशानियां हैं और आपको भी कितनी तकलीफ हो रही है, आप हमारे गांव में क्यों आई? इस गांव में आने का मेरा एक मकसद है। तुम लोग नहीं जानते लेकिन मेरी मां की मौत एक गांव में हुई थी जहां एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं था। गांव से शहर बहुत दूर था। शहर ले जाते रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बस तभी मैंने निर्णय ले लिया कि मैं एक गांव में जाऊंगी और लोगों का इलाज करूंगी। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि बीमारी की वजह से किसी की मौत ना हो, गांव का वातावरण साफ सुथरा रहे, कोई ऊंच नीच जात पात ना, औरतों को मान मिले, बच्चे और बूढ़ों को सारी जानकारी मिले जिससे कि गांव आगे बढ़े। और इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। इस गांव के लिए अगर मैं किसी भी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। अरे दीदी हम लोग तो आपके साथ ही है ना। दीदी जब से आप हमारे गांव में आई हैं हम गांव वालों को आपसे कुछ न कुछ सीखने को ही मिला है। हाँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमें तरक्की का जो रास्ता दिखाया है हम हमेशा उसमें आगे बढ़ेंगे। चलती हूँ दीदी। हाँ अच्छा। अरे थैंक यू। ये डॉक्टर ने क्या चीज है? जब से दिल्ली से आया हूँ उसी का नाम सुन रहा हूँ। गांव में नई नई आई है मालिक, सुशीला ताई के यहाँ रहती है और वहीं एक छोटा सा दवाखाना खोल रखा है। दवाखाना? पर गांव में गुनी बाबा का दवाखाना तो है ना? गुनी बाबा का भी दवाखाना है और उसका भी है। कुछ लोग गुनी बाबा के पास जाते हैं और कुछ लोग उसके पास जाते हैं। तो हमें भी जाना पड़ेगा उसके पास, जाकर समझाना पड़ेगा उसे कि इस गांव में हमारी क्या हस्ती है। क्या नाम बता रहे उस चीज का? सब लोग डॉक्टर नहीं कहते हैं सरकार। माफ करिएगा मालिक, उसका नाम भवानी है। भवानी? पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। मैंने अपना क्लिनिक खोल दिया है। मगर अभी हमारे क्लिनिक में उपचार के लिए गांव के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अभी उनको मेरे ऊपर विश्वास पूरी तरह से नहीं है। मगर आज नहीं तो कल लोग हमारे पास जरूर आएंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है और खुशी भी क्योंकि मैंने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि प्यार और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
तो सुशीला ताई और भगिया के अलावा एक और दोस्त मुझे मिली है जिसका नाम कमला है, जो गांव के एक प्राइमरी पाठशाला में अध्यापिका है। बहुत प्यार करती है मुझसे और गांव के बारे में सब कुछ बताती है। गांव की समस्या तो वैसे ही है, जब तक यहाँ की राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा मुझे लगता है तब तक इस गांव का विकास हो ही नहीं सकता। मैंने भी इस दिशा में काम करने के लिए सोच लिया है, बस इस खत में इतना ही, बाकी अगले खत में। मुकाबला करेगी।